बीरबल बहुत चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब था। उसकी कीर्ति दूर देशों तक फैली हुई थी। ईरान के बादशाह ने जब उसके चातुर्य की तारीफ सुनी तो उसने अकबर के पास संदेश भिजवाया कि आपके वजीर बीरबल को कुछ दिन के लिए मेरे दरबार में भेजने की कृपा करें। अकबर ने बहुत कीमती वस्त्र आभूषणों की भेंट के साथ बीरबल को ईरान के लिए रवाना किया। ईरान की सीमा पर बीरबल का भव्य स्वागत किया गया। दूसरे दिन जब बीरबल बादशाह के दरबार में पहुंचा, तो बादशाह ने भी उसकी आवभगत की और राजा के द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट की। बीरबल ने ईरान के बादशाह को राजनीति के कई रस रहस्य समझाए। बादशाह उसकी हर राय से सहमत हुए। विदाई की बेला में बादशाह ने अपने सभी दरबारियों के बीच हिंदुस्तानी वजीर बीरबल से एक सवाल किया कि आपके राजा और मेरे बीच आप कैसे तुलना करते हैं। बीरबल ने कहा, हमारा राजा दूज के चांद की तरह है और आप पूनम के पूर्ण चंद्रमा से सुंदर सुशील हैं। बीरबल के साथ आए राजा के दरबारियों को मौका मिल गया। वह आपस में इस बात को लेकर खुसर फुसर करने लगे कि बीरबल ने ईरान के बादशाह के स्वागत सत्कार के आगे अपने बादशाह अकबर को नीचा दिखाया है। ईरान के बादशाह को तो पूनम का चांद बताया और अपने बादशाह अकबर को दूज का चांद। दूसरे दरबारी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, पूनम का चांद बहुत बड़ा और चमकीला होता है, जबकि दूज का चांद एक पतली सी रेखा की तरह है। बीरबल ने अपने बादशाह अकबर को छोटा बताया, इसकी हमें शिकायत करनी चाहिए। तीसरे दरबारी ने कहा, जब बीरबल वापस अपने बादशाह अकबर के दरबार में लौटा तो अकबर ने सारा हालचाल पूछा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर बोला, आपने हमारे दरबार की शोभा ईरान तक फैलाई, इसकी हमें बहुत खुशी है। साथ गए दरबारियों ने पूनम के चांद और दूज के चांद वाली बात बादशाह अकबर को बताई। बादशाह अकबर इस पर बहुत नाराज हुआ। दूसरे दिन बीरबल से बादशाह अकबर ने पूछा, आपने मेरी तुलना पूनम के चांद से क्यों नहीं की। बीरबल को सारा माजरा समझ में आ गया। बीरबल बोला, हुजूर, आप दूज के चांद की तरह हमेशा अपने पराक्रम, कीर्ति और साम्राज्य कोई दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी प्रशंसा में आपको दूज के चांद की उपाधि दी। ईरान के बादशाह को पूनम का चांद इसलिए कहा क्योंकि पूनम का चांद हर रोज घट जाता है, सिमटता जाता है, अमावस की रात तो वह बिल्कुल ही नहीं निकलता। आपको दूज का चांद बताकर मैंने अपने बादशाह अकबर की महानता का बखान किया है। दूज का चांद सबको प्रिय होता है, सभी उसके दर्शन करते हैं। पूनम का चांद तो एक दिन चमकता है और दूज का चांद पूरे पखवाड़े तक चमकता है। आप खुद फैसला करें कि दूज का चांद अच्छा है या पूनम का।